नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सायरा। ईमानदारी की सजा, ट्रांसफर। जी हां, ग्वालियर में डॉक्टर और प्रशासन आमने सामने दिखे। गर्भपात करने के शक में गजराजा मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को हिरासत में लिए जाने का मामला रविवार को गर्म रहा। कथित स्ट्रिंग ऑपरेशन से डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को थाने में 9 घंटे बैठाने के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी कलेक्टर ने स्ट्रिंग किया तो वो सबूत के आधार पर FIR करें, लेकिन जब डिप्टी कलेक्टर द्वारा सबूत पेश नहीं किया गया तो डॉक्टरों ने कलेक्टर से कार्रवाई की मांग की। प्रशासनिक अफसरों और कांग्रेस के 2 विधायकों के मध्यस्थता करने के बाद भी डॉक्टर डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा को हटाने की मांग पर लगातार अड़े रहे, तो वहीं आखिरकार कलेक्टर अनुराग चौधरी ने उन्हें शहर से हटाकर घाटी गांव का SDM बना दिया। डॉक्टरों और प्रशासन के बीच समझौता इस बात पर हुआ कि स्ट्रिंग के आधार पर अब डॉक्टर प्रतिभा गर्ग के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो यहां सवाल यह उठता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी पर डॉक्टर भारी पड़े? एक डिप्टी कलेक्टर को ईमानदारी की सजा ट्रांसफर के तौर पर मिली है। गर्भपात कराने के शक में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को थाने में बैठाने का मामला रविवार को भी गर्म रहा। रविवार को डॉक्टरों ने काम बंद कर हड़ताल की। अधिकारियों और कांग्रेस विधायकों के मध्यस्थता करने के बाद भी डॉक्टर डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा भगत को हटाने पर अड़े रहे, तो आखिरकार प्रशासन को झुकना पड़ा और कलेक्टर अनुराग चौधरी ने डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा को शहर से हटाकर घाटी गांव का SDM बना दिया। डॉक्टरों और प्रशासन के बीच समझौता इस बात पर हुआ है कि स्टिंग के आधार पर अब डॉक्टर प्रतिभा गर्ग के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कलेक्टर ने SDM को हटाने और डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की पुष्टि की है। हड़ताल पर गए डॉक्टरों ने डिप्टी कलेक्टर की स्टिंग प्रक्रिया की जांच को लेकर भी मांग की है। ADM संदीप केरकेट्टा ने कहा कि स्टिंग में प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, इसको लेकर सोमवार को जांच कमेटी बनाई जाएगी। इसमें कितने सदस्य होंगे ये आदेश जारी होने के बाद ही तय हो सकेगा। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा गर्ग निजी क्लिनिक भी चलाती हैं। SDM दीपशिखा भगत उनके क्लिनिक पर मरीज बनकर पहुंची और 2 महीने की प्रेगनेंसी बताकर गर्भपात के लिए बात की। डिप्टी कलेक्टर ने दावा किया कि प्रतिभा गर्ग ने ऑपरेशन की हामी भर दी थी। डिप्टी कलेक्टर ने क्लिनिक से ही पुलिस को फोन कर उसे सील कर दिया और महिला डॉक्टर को उठाकर विश्वविद्यालय थाने में बिठा दिया। महिला डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को 9 घंटे तक हिरासत में रखा गया, फिर हंगामा और डॉक्टरों के हड़ताल के बाद ही उन्हें रिहा कर दिया गया। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। तो आपने देखा कि किस तरीके से डॉक्टर जो है अपनी मांग पर अड़ गए और उसके बाद डिप्टी कलेक्टर को का ट्रांसफर कर दिया गया। इस वक्त हमारे साथ BJP प्रवक्ता जमा खान साहब जुड़ गए हैं। जमा खान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पूरे मामले पर? मामला बड़ा शर्मनाक है। अगर समाज के अंदर ऐसे कृत्य हो रहे हैं और उनके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है और उनका ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो समाज में रक्षा करने वाला जो एक तबका होता है उसके अंदर डर और भय का वातावरण बनता है। इनको तो प्रोत्साहित करना चाहिए और उल्टा उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अगर कोई डॉक्टर ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो दोषी है और दोषी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भीड़ आवाज दबा सकती है मगर इंसाफ को छुपा नहीं सकती, गलतियों को छुपा नहीं सकती, इंसाफ दिलाने से बचा नहीं सकती भीड़। ठीक है जमा साहब, आप बने रहिएगा, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या लामबंद होकर आप अपनी कोई भी मांग मनवा लेंगे? तो इस मामले में कलेक्टर साहब ने साफ कहा है कि आगे ऐसा ना हो, इसलिए डॉक्टरों के साथ मिलकर एक मैकेनिज्म सेट किया जाएगा। तो वहीं SDM के ट्रांसफर के बाद डॉक्टर एसोसिएशन भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, देखिए। मेन इश्यूज थे, एक तो बहुत सारे ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज थे, उसको लेके एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बन गया है कि जिसमें कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहता है, और वो कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म की पहली बैठक मंगलवार को शाम को 5 बजे रखी जाएगी। और दूसरा, जो भी पूरा इसमें इश्यूज रहे हैं उसमें डॉक्टरों का भी हमने पूरा पक्ष समझ लिया है, और इस संबंध में जो भविष्य में भी जो एक मैकेनिज्म हम लोग एक बनाएंगे कि सबका एक सपोर्ट लेके चलेंगे। और डॉक्टर्स ने इसमें यह भी आश्वस्त किया है कि ग्वालियर के डॉक्टर पूरे कंट्री में सबसे अच्छे हैं, और कई जो हमारे जो एम है, भले ही वो फीमेल फर्टिसाइड को कम करना हो, भले ही कोई भी इशूज़ हो, तो एक टोटल मैकेनिज्म के साथ हम लोग एक साथ वर्क करेंगे। पर एक एमिकेबली सुधर गया है और एक अच्छा सामंजस्य की स्थिति निर्मित हो गई। प्रवीण की वाइफ डॉक्टर प्रतिभा द्वारा जो एलिगेशन प्रशासन द्वारा लगाया जा रहा था वो बिल्कुल निराधार है।
जिसका खंडन कलेक्टर साहब ने यहाँ के किया, साथ ही उस अधिकारी के अगेंस्ट में जिस अधिकारी ने ये पूरी घटना को अंजाम दिया उसका ट्रांसफ़र और उसके अगेंस्ट में इंक्वायरी करने का बात कही है, और साथ ही सभी डॉक्टर को ऐसा आश्वासन दिया है इस तरह की अमानवीय घटना आगे से कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, और साथ ही 2 तारीख को हम सभी चिकित्सकों को उन्होंने इनवाइट किया है बात करने के लिए सरकार की कुछ। तो सवाल यही है कि क्या ईमानदारी की सजा मिली है डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा को, उनको घाटी गांव का SDM बना दिया गया है। इस वक्त हमारे संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, सबसे पहले आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्या, क्योंकि हमने देखा कि लगातार ये मामला कितना ज्यादा गर्म रहा, कहीं ना कहीं यहां पर हमने देखा है कि ब्यूरोक्रेसी डॉक्टरों के सामने झुकी है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एक कार्रवाई के मूड में प्रशासन नजर आ रहा था डॉक्टर के ऊपर, खासकर से उस डॉक्टर के ऊपर जिस पे ये आरोप लगाए थे कि गर्भपात की एविडेंस उनके पास है, लेकिन उस तरह के एविडेंस प्रशासन उपलब्ध नहीं करा पाया, उसको लेकर सभी डॉक्टरों ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी और 2 दिन तक लगभग उन्होंने अपनी स्ट्राइक रखी। प्रशासन को मजबूर होके हड़ताल खत्म करवानी पड़ी, डॉक्टर पर लगे आरोप हटाए गए और SDM को ट्रांसफर किया गया। तो एक तरह से इस कार्रवाई को लेकर कहा जा सकता है कि आनंद फानन में एक डॉक्टर को इतने घंटों तक पुलिस स्टेशन में बिठा के रखना और फिर उसको छोड़ देना, संकेत तो इसी बात का कर रहा है कि आखिरकार ऐसा प्रशासन के ऊपर कौन सा एविडेंस था जो अभी तक सामने नहीं लाया गया। हालांकि कलेक्टर ने ADM को इस पूरी मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए बोला हुआ है और एक रिपोर्ट जो SDM है दीपशिखा, उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को हैंड ओवर कर दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या कुछ कहा है ये अभी सामने नहीं आ पाया है, पूरे मामले की जांच हो जाएगी उसके बाद इसका खुलासा होगा, लेकिन SDM का फिलहाल ट्रांसफर कर दिया गया है, घाटीगांव का SDM बना दिया गया है और डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। एक तरह से डॉक्टरों की इस पूरी लड़ाई में जीत मानी जा रही है, जिस तरह के आरोप लगाए गए थे वो आरोप अभी तक तो झूठे साबित हुए, आगे देखते हैं रिपोर्ट के बाद क्या होगा। विनोद, इस पूरे मामले में ये भी समझने की ज़रूरत है, अगर दीपशिखा जो कि डिप्टी कलेक्टर रही, अब हालांकि घाटी गांव का SDM उनको बना दिया गया है, उन्होंने जो स्टिंग ऑपरेशन किया वो उपलब्ध क्यों नहीं करवा पाई हैं। दूसरी बात, 8 से 9 घंटे के बीच में डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को बिठा के वहां पर रखना, तो स्थिति यहां पर स्पष्ट दरअसल नजर नहीं आ रही है कि इल्ज़ाम क्या था, क्या डॉक्टर प्रतिभा गर्ग पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है क्या वो वाकई सबूत उसमें पेश किए जा सके हैं अभी तक, एक तो ये चीज सामने नहीं आ पाई है, और हम अगर ईमानदारी की भी अगर बात कह रहे हैं तो उन सबूतों का सामने आना भी बहुत जरूरी हो जाता है। विनोद, यहां पर बिल्कुल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से एक डॉक्टर के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना और बिना एविडेंस के डॉक्टर को घंटों तक बनाए रखना कहीं ना कहीं अमानवीयता की कैटेगरी में भी आता है, और उसको लेके जब सारे डॉक्टर एकजुट हो गए विश्वविद्यालय थाने में उसके बाद छोड़ना पड़ा, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि डॉक्टर के खिलाफ जिस कार्रवाई को लेके प्रशासन सख्ती जता रहा था ऐसा कोई एविडेंस उनके पास था नहीं। मेरे साथ एक सीनियर डॉक्टर है यहाँ की, डॉक्टर साहब ये बताइए जिस तरह से पूरी कार्रवाई की गई, घंटों तक बिठाए रखा गया, उसके बाद सारे डॉक्टर स्ट्राइक पे आए और फिर बैक करना पड़ा, स्ट्राइक बैक हो गई, प्रशासन ने आपकी बात मानी, लगा क्या इस पूरे मामले में आपको, ये कार्रवाई किस तरह की थी? मैं डॉक्टर सुनील अग्रवाल, मेडिकल टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। डॉक्टरों ने क्या है कि शुरू से ही उनका जो काम है संवेदनशील मानवीयता का काम है, और लेकिन ये हमारा काम अमानवीय कार्य नहीं है। कल प्रशासन पूरा यहाँ पर बैठा रहा, कलेक्टर साहब यहाँ पर, SP साहब पूरे टाइम बैठे रहे, उन्होंने डॉक्टर को जिस तरीके से प्रताड़ित करके बंधक बना के जो रखा था 10 घंटे तक, उसके उन्होंने यहाँ पर सबूत पेश करने की कोशिश करी, अपने अभियोजन पक्ष के वकील को भी लेके आए, लेकिन एक भी सबूत साबित नहीं कर पाए, ना वो बता पाए। उन्होंने अपनी गलती को माना, उन्होंने इस चीज़ को बोला कि हमसे गलती हुई है और आगे से ये चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन बाकी की पनिशमेंट की जब बातें आई कि जिस भी इसको पनिशमेंट टाइप का क्या दिया जाए, उसको हमारी मांग थी कि इसको सस्पेंड किया जाए, कलेक्टर साहब वगैरह और इन लोगों की तरफ से आया कि ये प्रोबेशन पीरियड में है, हो सकता है कि ये इसकी नौकरी भी चली जाएगी, सस्पेंड हो जाएगा करियर। डॉक्टरों ने इन्होंने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए
और उसको इस चीज को बोला कि हम लोगों की हमेशा जीवन रक्षा नहीं, करते हैं। विनोद सवाल डॉक्टर साहब से ये भी कीजिए, यहाँ पर बड़े हृदय की जो बात कर रहे हैं, जो तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर लामबंद हुए, यहाँ पर कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, ये बहुत समझने वाली बात है, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है उसको तो सामने आना है, उसके लिए हमें थोड़ा सब्र से इंतजार करने की यहाँ पर जरूरत है, तो दया तो दिखाने की जरूरत नहीं है। अब हमें यह देखना होगा कि इतनी आनन फानन में निर्णय कैसे लिया गया और क्यों लिया गया, इतनी जल्दी क्यों दीपशिखा को घाटी गांव का एसडीएम बना दिया गया, क्यों जांच का इंतजार नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से एक आरोप डॉक्टर पे लगाया गया और उसके बाद प्रशासन ने आपसे माफ़ी मांगी है, जो भी बात हुई हो कल, सवाल ये खड़ा होता है कि एसडीएम उनको, आप लोग मांग कर रहे थे बर्खास्तगी की और उनको एसडीएम बनाया गया घाटी गांव का, एक तरह से प्रमोशन कहा जाता है इसको, तो इस ये कोई वो कार्रवाई नहीं है जिस तरह की आप मांग कर रहे थे। देखिए, हमारी मांग थी एसडीएम को सस्पेंड करना और हमारा काम था उनको, फिर बाद में उन्होंने बोला था कि हम इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, ये उन्होंने अपना इंटरनल है, उन्होंने कहाँ पर डिसाइड किया कहाँ पर किया, लेकिन हमारा जो था कि उनकी सर्विसेज सेवाएं समाप्त हो सकती हैं उनकी, एज आईएएस ऑफिसर नई लड़की है, नई भर्ती है, कलेक्टर साहब वगैरह सभी ने स्वीकार किया कि ये शायद गलती से, मतलब कि ये नई है, ये समझ नहीं पाए, जल्दबाजी में ऐसा हो गया है, तो इसलिए हमने अपना डॉक्टर्स चिकित्सक है, मानव है, हम मानव की जगह तो बड़ा हृदय दिखाते हुए ये सब चीज़ों को छोड़ दिया। वहीं पूरे मामले में कहीं लगा कि भले ही वो ट्रेनिंग पीरियड पर हों, अभी एक आईएएस है डॉक्टर दीपशिखा जो एसडीएम है, तो जिस तरह की ये कार्रवाई की गई, जाके डॉक्टर के क्लिनिक पे ये सारे इन्वेस्टिगेशन करना, वो एविडेंस आपने मांगे कि एविडेंस क्या उपलब्ध तो कराई, वो सब सारे उन्होंने बताया कि ये हुआ है, लेकिन वो पूरे ही सारे गलत थे, उन्होंने सारे अपराध जो थे, सबसे पहले तो उन्होंने अपराध ही ये कर दिया था कि एक स्टिंग ऑपरेशन एक डॉक्टर जैसे चिकित्सकीय व्यवसाय के प्रति किया था। आपने देखा वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया? स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने बताया, हमने तो कहा कि स्टिंग ऑपरेशन करना ही एक चिकित्सक के खिलाफ, ये सोच के जो ईमानदारी के पक्ष वो जो करते हैं, बताया है कि दिखाया भी है? नहीं, बताया भी और उन्होंने बोला था कि आप देख लीजिए, लेकिन हमने बताया कि आप इसमें क्या है, तो वो इसमें बता नहीं पाए कि ऐसा कुछ है इसमें, और ना ऐसा कुछ था उसके साथ और ना उसमें कोई, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को अपना माना, इसलिए एसडीएम का ट्रांसफर की क्या। ठीक है विनोद, आप बने रहिएगा, जमा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। ठीक है, पूरा प्रशासन, क्योंकि हम देखते हैं आए दिनों अगर पुलिस जी, विनोद आप बने रहिएगा, जमा साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जमा साहब, यहाँ पर एक तरह से लड़ाई जो है डॉक्टर्स वर्सेस ब्यूरोक्रेसी की साफ तौर पर नजर आ रही है, हालांकि सबूत अभी ठीक से सामने नहीं आ पाए हैं, जांच पड़ताल ठीक से नहीं हुई है, और आनन फानन में एक तरह से कहें कि फरमान सुना दिया गया कि आप जाइए घाटी गांव के एसडीएम आपको बना दिया गया है, कम से कम थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, जांच पड़ताल होने की जरूरत तो थी इसमें। जी निश्चित तौर पर, जैसे आपने बताया कि 6 से 8 घंटे डॉक्टर को वहाँ पे बैठाल के रखा गया स्टेशन में, तो कोई गंभीर बात होगी तभी तो बैठाला गया, डॉक्टर जैसे तबके को थाने के अंदर या पुलिस कस्टडी में ऐसे ही नहीं बैठाला जाता, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि बड़ा हृदय रख के, तो इनकी बातों से ऐसा जाहिर होता है कि इनके और जो और जिला प्रशासन है वहां के बीच कुछ ऐसा सेटलमेंट हुआ कि वीडियो आया उनका कार्रवाई करते हुए, उन्होंने वीडियो बनाया और वो बात सामने आई ये कि उनने कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को पहले भी अंजाम दिया होगा, तभी तो उन्होंने हाँ बोला और उसी के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसा क्या सेटलमेंट हो गया कमलनाथ जी की सरकार में, हमें ये समझ में नहीं आता कि आनन फानन में उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आपको एक और बात बताऊं कि डॉक्टर बोल रहे थे अमानवीयकृत, अमानवीय कृत्य क्या होता है? अगर वो ऐसी जो वीडियो में चीजें निकल के आई हैं, ये अमानवीय कृत्य है कि अमानवीय कृत्य करने वालों का वीडियो बनाना अमानवीय कृत्य है, ये आज समाज को समझने की आवश्यकता। और डॉक्टर बोल रहे थे कि किसी डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन, सांसदों का स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, जनप्रतिनिधियों का स्टिंग ऑपरेशन हो जाता है, तो आप क्या रखते हैं भाई हैसियत? जो संविधान बनाते हैं संशोधन करते हैं उनका भी स्टिंग ऑपरेशन होता है, अगर आप गलत करेंगे तो स्टिंग ऑपरेशन भी होगा और कार्रवाई भी होगी। और ये सरकार का फेल्यूर है कि जवाबदारी से समाज में जो बिगाड़ है उसको ठीक करने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा दिया जाता है, सेटलमेंट हो जाता है। भीड़ जो है दबाव बनाने में सफल रही है, यह देखा गया है कि जो बुरे काम करने वाले हैं वो कमलनाथ सरकार में अपना दबाव बनाने में सफल रहे हैं, जिसका उदाहरण यह घटना है।
और सबसे बड़ी बात यह भी है जमा साहब कि यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर्स ने अपना दबाव बनाया और दबाव की एक तरह से कहें राजनीति यहाँ पर की गई और उसके बाद आनन फानन में जिस तरीके से SDM बना दिया गया उन्हें घाटी गांव का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सबूत कहाँ है पहली बात, और अगर 8 से 9 घंटे डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को वहां पर बिठाया गया तो उस 8-9 घंटे के दौरान क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अगर उनसे पूछताछ हुई तो उस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया है, क्योंकि दबाव की राजनीति से अलग सही और गलत सामने आना बहुत जरूरी है जमा साहब। जी निश्चित तौर पे मैं भी वही बोल रहा हूँ कि अगर किसी डॉक्टर जैसे तबके को जिसका नजरिया खिदमत खल का होता है, समाज में बेहतरी का नजरिया होता है, उनको अगर थाने में बैठाल के रखा जा रहा है तो एविडेंस होंगे, एविडेंस सामने आने नहीं दिए गए इसलिए कि विवाद बढ़ सकता था और विवाद बढ़ता तो कई और चीजें निकल के सामने आती और कई ऐसी चीजें निकलती जो समाज के हित में नहीं होती, इसलिए दबाने का प्रयास किया गया, इसको निकलने नहीं दिया गया, इसमें प्रशासन की मंशा ठीक नहीं थी, इसमें जो तबका खिदमत खल का नजरिया रखता है उसकी भी नजरिया ठीक नहीं था, नजरिया कहीं ना कहीं ठीक नहीं था। संवाददाता विनोद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, आखिर ऐसा दबाव किस तरह से उसका असर हुआ कि आनन फानन में जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको रफा दफा कर दिया गया, ऐसा किस तरीके से दबाव, क्यों नहीं जांच पड़ताल का इंतजार किया गया? कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सामने आना बहुत जरूरी है। सबूत कहां पर है? 8 से 9 घंटे अगर डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को वहां पर बिठाया गया है तो क्यों बिठाया गया है, और डॉक्टर को इस तरह से बिठाना जाहिर सी बात है क्योंकि वो खुद डिप्टी कलेक्टर है तो वो इस बात को समझती होंगी, इस मामले की गंभीरता को उनको पता होगा कि अगर मैंने बिठाया है तो इसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा, तो वो सबूत सामने क्यों नहीं आ पा रहा है? विनोद, सारा देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो डॉक्टर प्रतिभा गर्ग को जिस तरह से 8 से 10 घंटे एक पुलिस थाने में बैठाया गया और उसके बाद उनकी किसी से बात नहीं करने दी गई, जब बात करने की उन्होंने कहा तो उनके पति से एक बार बात हुई, उसके बाद ये मैसेज सभी डॉक्टरों को दिया गया कि इस तरह से उनको एक पुलिस थाने में बैठाया गया है। जब सारे डॉक्टर्स एक साथ वहाँ जुटने लगे और उन्होंने उन्हें हिरासत से छुड़ाने की मांग की तब भी नहीं छोड़ा गया, तो एक तरह से 8 से 10 घंटे डॉक्टर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन जब ये देखा गया कि पूरी तरह से ये कार्रवाई बिना किसी प्रमाणित तथ्यों के आधार पर की जा रही है और डॉक्टर के खिलाफ कोई सबूत ऐसा नहीं है प्रशासन के पास, उसके बाद डॉक्टर स्ट्राइक के मूड में आए और उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह से अमानवीयता दिखाई जाएगी तो हड़ताल करेंगे। तो दबाव जो था वो डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर था, दबाव था मरीजों को लेके था, हालांकि ये कहा गया कि इमरजेंसी केसेस लगातार देखते रहेंगे और उस पर कहीं कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर जब हड़ताल पे जाने लगे तो प्रशासन और कह सकते हैं सरकार के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन गया था। ऐसे में ये कार्रवाई आनन फानन में इन्वेस्टिगेशन से पहले इसीलिए की गई है ताकि माहौल को पूरी तरह शांत किया जा सके, उसके बाद जो भी इसकी रिपोर्ट्स है और उसके जो तथ्य बताए गए उसकी जाँच की जाए। डॉक्टर सुनील, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि अमानवीय कार्रवाई हुई, प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनके पास एविडेंस है, रिपोर्ट है, चूंकि आपने भी कहा कि एक स्टिंग ऑपरेशन है उनके पास, तो वो दावा तो कर ही रहे हैं, और फिर जब सांसदों के भी स्टिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, फिर अगर इस तरह की कोई शिकायत उनके पास मिली है जिसके आधार पर उन्होंने एक डॉक्टर की जो प्रतिभा गर्ग उनके क्लिनिक पर जाके ऑपरेशन किया है, तो इसमें परेशानी क्या है? स्टिंग करना ही एक तरीके से गलत है, और स्टिंग करने से ये नहीं साबित हो जाता कि उन्होंने स्टिंग शब्द किया, हमने स्टिंग रिकॉर्ड कर लिया तो वो उसमें सारे सबूत उसमें होंगे ही, उसमें कोई भी सबूत नहीं है, तभी इसीलिए बैकफुट पे रहा। 10 घंटे उसको बंदा को गिरफ्तार करके जिस तरीके से घर से उठा के लेके गए और वहाँ पे रखने के बाद भी जब FIR दर्ज नहीं कर पाए, अगले दिन भी अभियोजन और इसके साथ में जब वो सिद्ध नहीं कर पाए, तो ये पूरी गलती जब प्रशासन की थी तो ये उनको स्वीकार करना चाहिए, और ये उनका मानवीय व्यवहार हुआ ये तो हुआ ही है, लेकिन चिकित्सकों ने इसको बड़े उससे लिया कि समाज, लेकिन मेरा तो ये संदेश शासन को, सरकार को और प्रशासन को आगे से देना था हमारा, कि आगे से जो समाज में डॉक्टरों की चिकित्सक की छवि को सुधारा जाए, इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन टाइप की जो हरकतें हैं जो कि गलत है, चिकित्सक हमारे सभी ईमानदारी और सच्चाई से जो हमेशा। एक सवाल ये डॉक्टर साहब, ज़्यादातर ये देखा जाता है जब भी कोई प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स के बीच आती है तो एक स्ट्राइक का सहारा लिया जाता है, चाहे वो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स की मांग हो या सीनियर डॉक्टर पर जिस तरह के अभी आरोप लगे हैं, तो आप तो स्ट्राइक पर जाते ही जाते हैं, प्रदेश के दूसरे डॉक्टर भी, दूसरे शहरों के डॉक्टर भी लामबंद हो जाते हैं, इससे जो परेशानी खड़ी होती है इसका तो कोई समाधान नजर नहीं आता। व्यवस्था ऐसी हो चुकी है इस देश के अंदर, प्रदेशों में, सब जगह, कि अगर SP और कलेक्टर यहाँ पे देश में मिल जाए ना,
तो वो ही हो रहा है। ये मिलके कुछ भी कर सकते हैं। FIR दर्ज करने के लिए उनको सबूतों की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं होती है, उनको वो सिद्ध करने के लिए आवश्यकता होती है न्यायालय में। लेकिन FIR के समय तो उसका चरित्र रहना, ईमानदारी और सब वो बदनामी तो पहले ही हो चुकी होती है, तो ये तो पहले से ही कर देते हैं। और जांच पड़ताल में विनोद, अगर जांच पड़ताल में वाकई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन आ जाता है जो डॉक्टर प्रतिभा गर्ग के अगेंस्ट चला जाए या उसमें ऐसी कोई सबूत मिल जाता है उसके बाद, क्योंकि अभी जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है, दबाव हुआ और ऐसे में आनंद फानंद में दीपशिखा को घाटिकाओं का SDM बना दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जांच पड़ताल जब मुकम्मल होगी और वाकई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन सामने आता है उसके बाद क्या? बिल्कुल, देखिए जांच पड़ताल के बाद जो चूंकि जिन एविडेंस का दावा किया जा रहा है प्रशासन के अधिकारी जो बता रहे हैं, और जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने दिखाया उसमें ऐसा कुछ था नहीं, अब केवल उसकी जांच बचती है। और जांच वो किन आधारों पर होगी? एक तो इसी आधार पर जाँच होगी कि प्रीवियस रिकॉर्ड डॉक्टर का कैसा रहा है, डॉक्टर का जो क्लिनिक है वहाँ पहले किसी तरह की क्या कोई शिकायत इस तरह की किसी ने कराई है कि नहीं कराई है, उसके एविडेंस जुटाना और फिर उस आधार पर उसकी जांच करना कि आरोप जो अक्सर लगते हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो एक एविडेंस जो जांच में सामने आती हैं, फिर फाइनल जो रिपोर्ट बनेगी उसमें क्या निकल के आता है, उसमें आरोपी कौन बनता है कौन नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें वहाँ निष्कर्ष पर जाके सामने आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल तो जिस तरह का जो दबाव था, जो प्रेशर था कि किसी भी तरह स्ट्राइक डॉक्टर खत्म करें, उनकी बातें मानी जाएं। हालांकि कल मंगलवार को एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो टीम है ग्वालियर की, उसकी प्रशासन के साथ एक मीटिंग है, वहां भी इन सारी चीजों को लेकर चर्चा होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि मंथली मीटिंग हर महीने होती है, लेकिन इसमें कुछ नए तथ्य जरूर जोड़ के देखे जाएंगे और उन पर बात की जाएगी। डॉक्टर साहब जिस तरह से कल कहा है कलेक्टर से, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने इंटरव्यू में हमारे साथ ये कहा कि हम एक मीटिंग कर रहे हैं IMA की जो हर महीने होती है, किन किन चीजों पे बात करेंगे उसमें जाके आप? हर महीने तो मीटिंग नहीं होती है, लेकिन कल ऐसी बात आई कि इस टाइप की जो समाज में आपको चिकित्सकों की छवि को सुधारा जाना चाहिए, आपने जो स्टिंग ऑपरेशन करके ये दिखाने की कोशिश करी कि चिकित्सक वर्ग समाज में ऐसा वर्ग है तो इस टाइप की हरकतें नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप तो चिकित्सकों को उनकी रक्षा करना चाहिए, उनके साथ में जो मारपीट होती है वो करना चाहिए, चिकित्सकों और मरीजों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिए। लेकिन स्टिंग ऑपरेशन हो वो भी गलत तरीके से, जिसका कोई बैकग्राउंड सही खराब नहीं है किसी चिकित्सक का, और बिना जाने पहचाने और ऐसे ही कर दिया आपने और उसको ये और बंधक भी बना लिया 8-10 घंटे से, तो इस टाइप की हरकतें नहीं करनी चाहिए और आगे से ये व्यवस्थाएँ ना हों, ऐसे गलतियाँ ना हों, तो उसके लिए आगे चर्चाएँ होंगी। बिल्कुल, आगे इस तरह की प्रशासन के द्वारा कोई गलती ना हो चर्चा होंगी। लेकिन मैं बता दूं कि ग्वालियर का जो जय आरोग्य अस्पताल है वहाँ बड़ी संख्या में OPD होती है, लेकिन उसके अनुसार डॉक्टर्स की लगातार यहाँ पे कमी है, ज़्यादातर प्रेशर जूनियर डॉक्टर के पास रहता है, सीनियर डॉक्टर्स को देखते हैं। ऐसे में कई बार विवाद की स्थिति मरीजों के साथ सामने आती है, डॉक्टर स्ट्राइक पे जाते हैं, अपनी मांगे सामने रखते हैं और फिर किसी न किसी आश्वासन के बाद वो सारी चीज़ें वहाँ थम जाती हैं। और विनोद, हमने चीजें हैं जिसको लेकर डॉक्टर्स लगातार मांग करते जी रहे, लेकिन और विनोद हमने देखा है लगातार डॉक्टर्स भी शायद दबाव की राजनीति समझने लगे हैं बखूबी, इसलिए हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि छठवें दिन भी जूडा की हड़ताल लगातार जारी है। हमने यहाँ भी देखा कि अपनी बात मनवाने के लिए किस तरीके से आनंद फानंद में हड़ताल की धमकी दे दी जाती है और उसके बाद आनंद फानंद में डिप्टी कलेक्टर को हटा दिया जाता है। जमा साहब, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में दबाव की राजनीति का खेल होता है, लेकिन यहाँ तो डॉक्टर्स भी इस बात को बखूबी समझने लग गए हैं। डॉक्टर साहब के जो प्रतिनिधित्व हैं वो देखिए, सबूत की बात न्यायालय में होती है, सबूत की बात ये करने वाले कौन होते हैं? अगर किसी की इतने बड़े तबके को अगर 8-10 घंटे बैठाला गया है तो उसमें मार्ग कायम होना था, नहीं होना था तो जांच होनी थी स्पष्ट, और स्पष्ट जांच होने के बाद देन आफ्टर इस पर रिपोर्ट आनी चाहिए थी। और ये सबूत मांगने का काम न्यायालय में होता है साहब, जब बहस होती है तब सबूत की चर्चाएं होती हैं न्यायालय में, तो इधर तो कोई चर्चा होती नहीं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि अगर इतना सारा घटनाक्रम हो रहा है तो या तो ये कोई पर्सनल विवाद हो सकता है जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और जब अगर कोई पर्सनल विवाद नहीं है तो कहीं ना कहीं ये बात छुपाई जा रही है कि वहां पे कोई गलत काम हो रहे थे, समाज को शर्मसार करने वाले ऐसे कोई कृत्य हो रहे थे जो ठीक नहीं है। उनका वीडियो बना तभी उनको हिरासत में लिया गया, और हिरासत में लिया गया फिर दबाव की राजनीति हुई, और दबाव की राजनीति होने के बाद यह हुआ कि दबाव ज्यादा हो रहा है, मामला बिगड़ सकता है, तो फिर उनको रिलीज कर दिया गया और फिर कलेक्टर ट्रांसफर कर दिया और ये बोला कि सबूत नहीं थे इसलिए उनको छोड़ दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं शासन प्रशासन
प्रशासन की नीयत साफ नहीं लगती है और जो दबाव की राजनीति है ये मुझे लगता है ठीक नहीं है, देश को किसी और ले जा रही है जहां पे समाज भ्रमित हो सकता है। ठीक है जमा साहब, अब सीधे अपने संवाददाता विनोद का भी रुख करते हैं। विनोद, क्या जो डिप्टी कलेक्टर है दीपशिखा, उनकी तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया, उन्होंने अपनी किसी भी तरह की बात सामने रखी है अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले में जो SDM है दीपशिखा, डिप्टी कलेक्टर, उनकी तरफ से वो व्यक्तिगत मीडिया से बात करने नहीं आई हैं, लेकिन उनके बिहाफ पे जो उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, कलेक्टर या अपर कलेक्टर, वही बात कर रही हैं। उन्होंने पूरा मामला सामने रखा है, उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बैठ के एक मीटिंग की थी जिसमें सभी मसलों पे बात की गई थी। इसके साथ साथ दो प्रतिनिधि जो क्षेत्रीय विधायक हैं कांग्रेस के, मुन्नालाल गोयल और प्रवीण पाठक, वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने कल चूंकि ये भरोसा जताया था डॉक्टर पे, उन्होंने कहा भी था कि हमें भरोसा है कि आप लोग इतनी मेहनत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर कोई गलत आरोप प्रत्यारोप का समय आया है तो आप लोगों के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं भरोसा दिलाता हूँ, ऐसा विधायक ने कहा। उसके बाद चूंकि ये मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन इस बीच में कोशिश की हमने, सुबह से हम लगातार दीपशिखा को फोन कर रहे हैं लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा है, क्योंकि उनका घाटीगांव ट्रांसफर हो गया है तो हो सकता है वो अपनी प्रशासनिक कामों में जुटी हों, लेकिन इस बीच बात करने के लिए उनका ना कहने के इस बात का संकेत कर रहा है कि या तो उनको प्रशासन की तरफ से, वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से मना किया गया है बोलने के लिए, और या फिर वो कुछ पूरा जो मामला हुआ है उसको लेके कहीं एविडेंस जुटाने की और कोशिश में लगी हों। ठीक है विनोद, शुक्रिया। जमा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर तमाम सवाल दरअसल खड़े होते हैं। डिप्टी कलेक्टर दीपशिखा को अब हटा दिया गया है, लेकिन आनन फानन में क्यों हटाया है, एक बड़ा सवाल ये। दूसरी बात ये, जांच पड़ताल क्यों पूरी नहीं होने दी है, दूसरा सवाल ये बनता है। और तीसरा सवाल ये भी बनता है कि सबूत अगर है सामने तो उसकी जांच पड़ताल क्यों नहीं की गई है, इतनी जल्दबाजी में, इतनी दबाव की राजनीति में आकर क्यों, डॉक्टरों के दबाव में आकर क्यों डिप्टी कलेक्टर को यहां पर हटाया गया है। तो इस खबर पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी क्योंकि इसके कई ऐसे पहलू हैं जो सामने आ सकते हैं। आप लगातार बने रहिए, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे तुरंत।